व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन? ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन क्या है? द फिनोमेनन इन व्हिच द टू फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, दैट इज गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज। गैमेट भी फॉर्म होता है, स्पोर भी फॉर्म होता है। गैमेट माने यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर माने यूनिट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों ही फॉर्म होता है जो लाइफ साइकिल में। इन रेगुलर सक्सेशन अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर इज नोन एज अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। जनरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो टू डिस्टिंक्ट फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। दीज आर द स्पोरोफाइटिक जेनरेशन और डिप्लॉयड जेनरेशन, व्हेयर द न्यूक्लियस बियर्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड माने होच्छे टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू एन। हैप्लॉयड माने वन सेट ऑफ क्रोमोसोम बा एन। द गैमेटोफाइटिक जेनरेशन और हैप्लॉयड जेनरेशन, और गैमेटोफाइटिक जेनरेशन में एन है, हैप्लॉयड। फले स्पोरोफाइटिक में डिप्लॉयड टू एन और गैमेटोफाइटिक में हैप्लॉयड एन। दोनों ही फॉर्म होता है, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। व्हाट द न्यूक्लियस बियर्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एन। दिस टू जेनरेशंस फॉलो ईच अदर इन रेगुलर सीक्वेंस इन द लाइफ साइकिल। तो इस जेनरेशन में हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड टू जेनरेशन ही दिखाई देता है। द गैमेटोफाइट और हैप्लॉयड जेनरेशन स्टार्ट्स विथ म्यूटिक डिविजन। म्यूटिक डिविजन में हैप्लॉयड जेनरेशन होता है, व्हाइल द स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड जेनरेशन स्टार्ट विथ सेक्सुअल फ्यूजन एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट फॉर्म होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट जब यूनाइट हो जाता है तब क्या फॉर्म होता है? जायगोट। जायगोट होच्छे डिप्लॉयड टू एन। एज फॉर एग्जाम्पल द ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन ऑफ फर्न, कौन सा प्लांट में होता है? फर्न में। इन केस ऑफ फर्न ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन बोथ हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सोमाटिक फेजेस अकर इन द लाइफ साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, द फ्लावर इज ए मॉडिफाइड एंड कॉन्डेंस सूट मीन्ट फॉर रिप्रोडक्शन। प्लांट में रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फ्लावर में। रिप्रोडक्शन व्हिच टेक्स प्लेस बाय द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गिव योर कॉन्सेंट्रेशन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर क्या होगा? कैलिक्स। कैलिक्स होच्छे आउटर मोस्ट पार्ट। यहाँ पे पिक्चर में देखो कैलिक्स जो आउटर मोस्ट पार्ट है एंड लोअर मोस्ट होल ऑफ फ्लोरल मेंबर एंड इज कॉम्पोस्ट ऑफ ग्रीन लीव लाइक स्ट्रक्चर सेपल। एकदम फ्लावर के आउटर पार्ट जो ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सेपल, अच्छा वो है कैलिक्स। इन चाइना रोज द सेपल्स आर फाइव इन नंबर। चाइना रोज में ये सेपल ग्रीन कलर फाइव नंबर है एंड फ्यूज टुगेदर इन देयर बेसल पार्ट फॉर्मिंग ए बेल शेप स्ट्रक्चर। और एकदम नीचे एक बेल शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पे। कैलिक्स विथ फ्यू सेपल्स आर कॉल्ड गैमोसेपालस कैलिक्स। कैलिक्स जो सेपल के साथ फ्यूज्ड हो जाता है उसे कहता है गैमोसेपालस कैलिक्स। इन चाइना रोज बिलो द कैलिक्स देयर इज अनदर होल और ग्रीन पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट फाइव और सिक्स मेंबर कॉल्ड द एपिकैलिक्स। द इंडिविजुअल मेंबर्स रिमेन फ्री। कैलिक्स के नीचे और एक पार्ट है ग्रीन कलर का जिसे क्या कहता है? एपिकैलिक्स। ताले कैलिक्स पार्ट में क्या है? आउटर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट होल एंड इज कॉम्पोस्ट ऑफ ग्रीन लीव लाइक स्ट्रक्चर सेपल्स जो फ्लावर का आउटर पोर्शन में है। कैलिक्स का फंक्शन क्या है? कैलिक्स प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ बर्ड फ्रॉम एक्सेसिव हीट, कोल्ड, रेन, ये सब से फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है।
सेपास बींग ग्रीन परफॉर्म द जनरल फंक्शन ऑफ लीव्स. ग्रीन कलर है इसीलिए क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस करता है. व्हेन द सेपल्स आर कलर्ड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट. कलर होगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है. नेक्स्ट देखो कोरोला, द सेकेंड होल फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड सेंटर कोरोला. कोरोला होच्छे पेटल्स, ये जे कलरफुल है, अलग अलग कलर हो सकता है, पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज, ये होच्छे कोरोला. द इंडिविजुअल मेम्बर्स ऑफ द कोरोला आर कॉल्ड पेटल्स. जिसको पेटल बोलता है वही होच्छे कोरोला. ब्राइट कलर इन चाइना रोज देयर आर फाइव रेड कलर पेटल. चाइना रोज में 5 पेटल है, रेड कलर हो सकता है. पेटल्स आर फ्री एंड अरेंज इन ट्विस्टेड एस्टिवेशन. एक दूसरे के साथ अरेंज करके रहता है. फंक्शन क्या है, कोरोला प्रोटेक्ट द इनर एसेंशियल होल फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरी. इनर पोर्शन को प्रोटेक्ट करता है और ब्राइट कलर हेल्प करता है पॉलिनेशन. इसके बाद एंड्रीशियम, थर्ड इनर होल होच्छे एंड्रीशियम एंड कॉम्पोस्ट ऑफ सम स्लेंडर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर कॉल स्टैमेन. यहाँ पे देखो अंदर में इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहता है, स्टैमेन. दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहता है, स्टैमेन. और फीमेल होच्छे स्टाइल स्टिग्मा ओवरी. ई स्टैमेन कॉन्सिस्ट ऑफ ए बेसल इलोंगेटेड पोर्शन द फिलामेंट एंड ए टर्मिनल एनलार्ज्ड पोलन प्रोड्यूसिंग पोर्शन. टर्मिनल में पोलन प्रोड्यूसिंग पोर्शन है और इसके नीचे एक फिलामेंट है. इन चाइना रोज देयर आर न्यूमेरस स्टैमेन हुज बेसल फिलामेंटस पार्ट्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए स्टैमिनल कॉलम व्हिच इज कॉल्ड मोनाडेल्फा स्टैमेन. सब स्टैमेन फ्यूज होके एक लॉन्ग पोर्शन फॉर्म होता है, मोनाडेल्फा स्टैमेन. फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन. पोलन प्रोड्यूस मेल गैमेट्स एंड टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन. पोलन ग्रेन प्रोड्यूस में फॉर्म करता है. अच्छा, स्टैमेन का मेन फंक्शन ही होच्छे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन. और पोलन ग्रेन के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं होगा तो पॉलिनेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोलन ग्रेन जाके ओवरी के साथ क्या होगा, यूनाइट होगा और तब फर्टिलाइजेशन होगा. गाइनेशियम होच्छे फीमेल पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द कार्पेल्स. इसे क्या बोलता है, कार्पेल्स. गाइनेशियम में कॉन्टेन ए सिंगल कार्पेल और टू और मेनी कार्पेल. इन केस ऑफ मेनी कार्पेल्स दे मे रिमेन फ्री और यूनाइटेड टुगेदर व्हिच इज कॉल्ड पिस्टिल. ए पिस्टिल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एन एक्सपेंडेड बेसल पोर्शन कॉल्ड द ओवरी. पिस्टिल होच्छे बेसल पोर्शन जिसे ओवरी बोलता है. ओवरी के ऊपर एक सिलेंडर पोर्शन है जिसे स्टाइल है और स्टाइल के ऊपर है स्टिग्मा. जहाँ पे 5 कार्पेल फ्यूज्ड होता है टुगेदर फॉर्मिंग ए कॉम्पाउंड पिस्टिल. द कॉम्पाउंड पिस्टिल कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिनकार्पस ओवरी. मैंने ओवरी आर फ्यूज्ड विथ कार्पस. पहले मेन ओवरी का 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और उसके नीचे ओवरी. ये होच्छे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस एम्ब्रायो सैक व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रायो. एम्ब्रायो सैक फॉर्म करता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रायो फॉर्म होता है जिसमें से. ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैच्योर टू फॉर्म द फ्रूट व्हिच कंटेन सीड. ओवरी से क्या होता है, फ्रूट होता है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पार्ट है वो सीड में बदल जाता है. यही होच्छे ओवरी का फंक्शन. और पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टैमेन
स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके ऊपर क्या है एंथर पोर्शन है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन जॉब क्या होता है ट्रांसपेरेंस हो जाता है फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल ऑफ द सेम ऑफ द स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। स्टैमेन होच्छे मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, स्टिग्मा होच्छे फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। थाले पोलन ग्रेन कहाँ पे जाता है स्टिग्मा के द्वारा, यहाँ पे जो स्टाइल है स्टाइल के अंदर से पूरा ओवरी में पहुँच जाता है और ओवरी में जाके क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। थाले मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होच्छे स्टैमेन और फीमेल क्या है स्टिग्मा। द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ डिफरेंट फ्लावर, सेम फ्लावर में हो सकता है बट दो अलग अलग प्लांट है डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है, अर्थात लेकिन जब होगा तो आप सेम स्पीसीज में ही होगा, फ्लावर अलग हो सकता है, जैसे हिबिस्कस का हिबिस्कस में ही होगा, रोज के साथ रोज के ही होगा, रोज हिबिस्कस एक साथ नहीं हो सकता है। पहले स्पीसीज सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो सकता है, उसे क्या कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमारे टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होच्छे ट्रांसपेरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, जैसे ग्राउंड नट फोर ओ क्लॉक। और क्रॉस पॉलिनेशन होच्छे ट्रांसपेरेंस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बॉर्न ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम होगा इज कॉल क्रॉस पॉलिनेशन। अनदर फ्लावर बॉर्न ऑन ए डिफरेंट प्लांट, दूसरा प्लांट का फ्लावर के साथ हो सकता है लेकिन सेम स्पीसीज होना चाहिए, जैसे पालमीरा पाम गार्ड ये सब क्रॉस पॉलिनेशन। ताले सेल्फ पॉलिनेशन में मेरिट्स क्या है इसका, द प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है हेल्दियर ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड। सेल पोलिनेशन द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर जरूरत नहीं है। क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंट बायोटिक अबायोटिक एजेंट्स आर इन्वॉल्व। सेल पोलिनेशन में कोई एजेंट का जरूरत नहीं है, सेम ही प्लांट में है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में दूसरा प्लांट में है इसीलिए एजेंट का जरूरत है। और डिमेरिट्स क्या है इसका, There is no emergence of new characters in the offspring. Offspring में कुछ character, new character नहीं दिखाई देता है लेकिन cross pollination में दिखाई देता है। It is an uncertain process due to dependent on agencies. और ये agency के ऊपर agent के ऊपर depend करता है। Adaptability to change environment are reduced. Adaptability कम है यहाँ पे, वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस। एक प्लान में से दूसरा प्लान में जाएगा तो कुछ पोलन ग्रेन क्या होगा नष्ट हो जाएगा, जो नीचे गिर जाएगा वो क्या होगा वेस्ट हो जाएगा। यही है मेरिट डिमेरिट ये लर्न करना है। आप यहाँ पे एआर, एआर का एआर होच्छे पैडी का एजेंट, पैडी का जो पॉलिनेशन होता है एआर के द्वारा होता है। हाइड्रिला होच्छे वाटर, मैंगो इंसेक्ट, सीमूल बार्ड। ये क्वेश्चन आता है कि एजेंट का नेम बोलो, पैडी हाइड्रिला मैंगो सीमूल, तो पैडी बोलोगे यार हाइड्रिला वाटर मैंगो इंसेक्ट सीमूल बार्ड। अंडरस्टैंड।